रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं मोनिका और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। कुशीनगर केसरी व केके न्यूज 24 परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। विंध्याचल में लगा भक्तों का मेला, खुलकर किया माँ विंध्याचल का माँ अष्टभुजी का दर्शन। खबर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के विंध्याचल धाम से है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी धाम शक्तिपीठ में दुनिया के हर कोने से लोग माँ विंध्यवासिनी का दर्शन व पूजन करने आते हैं। वहीं लोगों ने माँ अष्टभुजी का दर्शन किया और इस दौरान प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आई व मेले की रौनक भी देखने के लायक है। बता दें कि पूरे भारतवर्ष में शारदीय नवरात्र बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में माँ विंध्याचल का धाम है, जहाँ लोग भारत के हर कोने से दर्शन करने आते हैं। वहीं इस बार माँ के दर्शन के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हुए नजर आए। लोगों ने शांति बनाते हुए माता अष्टभुजी का दर्शन किया। वही नवरात्र के पहले दिन लगभग 25,000 की संख्या में लोगों ने दर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहाड़ों पर भी रौनक नजर आई। जी हाँ, वही मिर्जापुर शहर में मांगत काली मंदिर भी भक्तों से भरा हुआ नजर आया। नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने भी माता रानी विंध्यवासिनी के धाम ही अपना दिन बिताया और भक्तों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माँ के दरबार में दर्शन करने की अपील किया। आइए देखें मिर्जापुर विंध्याचल से विश्वनाथ श्रीवास्तव और कैमरामैन अभिजीत श्रीवास्तव के साथ अन्नपूर्णा श्रीवास्तव की। जैसा कि आपको मैंने मेले का पूरा दृश्य दिखाया था, नवरात्रि का पहला दिन है और मैं कल से दिखा रही हूँ आगे। और मैं थोड़ा सा मिर्जा नगर विधायक से थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप बताइए, नवरात्रि का पहला दिन है और मेला भी है, उसके बारे में बताइए। माँ के बारे में नवरात्रि हम लोगों का होगा, पहला चैत का वर्ष पत्रता जो होता है हमारे हिंदू धर्म में, वो सबसे बड़ा हम लोगों का साल का पहला दिन वो मनाया जाता है। ईश्वर का आषाढ़ शुद्धी प्रतिपदा से होता है, ईश्वर का यह है, यह एक तरह से उसमें प्रभु राम का नाम रामनवमी जो मनाया जाता है उसमें पैदा हुए थे। लेकिन आषाढ़ का हो गया जो गुप्त नवरात्रि माना जाता है, जो गुप्त नवरात्रि ये क्या है, एक गुप्त दिन मनाया जाता है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उसके लिए अपने शक्ति के लिए आशीर्वाद देने के लिए गुप्त करें। तो जो कुवार का ये नवरात्रि हमारा चल रहा है आप सुनने वाला, इसमें एक तरह से प्रभु राम ने दुर्गा का आराधना किया था, माँ दुर्गा ने उसको इतना शक्ति दिया था जो रावण अत्याचारी था विजयादशमी के लिए, उसी नवरात्र के बाद उसका उन्होंने वध लिया था। इसलिए हमारे समाज में जो नवरात्रों को वध करते हैं उससे पहले माँ दुर्गा अपनी शक्ति का उपासना करते हैं। है माँ, मुझे अपनी शक्ति दीजिए कि मैं अच्छे समाज का इस तरह से संरक्षण दे सके और अपराधियों का नाश कर सके। युवाओं के लिए यही है कि 2 गज दूरी और मास्क लगाना जरूरी है। धन्यवाद।